हर हर महादेव। भगवान शनिदेव इस जगत के न्यायाधीश हैं और समय समय पर वो अपनी दृष्टि डालकर सबको उनके कर्मों का फल देते हैं। चाहे पांडवों का अपना राज्य खोना हो या भगवान श्री राम का वनवास जाना, देवता भी उनकी दृष्टि से बच नहीं पाते। मनुष्य के साथ साथ भगवान पर भी शनिदेव ने अपनी दृष्टि डाली है। ऐसे ही एक बार भगवान शनि कैलाश पर्वत पर गए, वहाँ शंकर भगवान बैठे थे। आपको बता दें कि शनिदेव भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं। जब भगवान शंकर ने उनके आने का कारण पूछा तो शनिदेव ने कहा कि गुरुदेव, आप देवों के देव महादेव हो, इस जगत की सबसे शक्तिशाली शक्ति हो, कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। इस पर शंकर भगवान ने कहा कि शनिदेव, आप इस जगत के न्यायकर्ता हो, सबको कर्मों का फल देते हो और आपको ही मैंने कर्मों का न्यायाधीश नियुक्त किया है। बताइए कि कल किस समय तक आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ने वाली है। इस पर शनिदेव ने कहा कि कल सवा पहर तक आप पर मेरी दृष्टि पड़ेगी। अगले दिन भगवान शिव धरती पर चले गए और उन्होंने हाथी का रूप धारण कर लिया और वो धरती पर ही घूमते रहे। शाम को भोलेनाथ जब कैलाश पर्वत पर आए तो शनिदेव को पहले से ही मौजूद देखकर शंकर भगवान ने कहा कि क्या आपकी वक्र दृष्टि मुझसे समाप्त हो गई। शनिदेव ने कहा कि जी गुरुदेव। शनिदेव ने कहा कि देखा, मैंने कहा था कि आप देवों के देव हो, परम शक्तिशाली हो, अंतर्यामी हो, मेरी दृष्टि आपका क्या कर पाएगी। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि शनिदेव, आपकी दृष्टि के कारण ही मुझे ये कैलाश छोड़कर मृत्युलोक में भटकना पड़ा और ये देव शरीर को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। ये सब आपकी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था। भगवान शंकर शनिदेव की कर्तव्य निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ये थी जानकारी भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि भोलेनाथ पर जब पड़ी। भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव आप सब देव भक्तों पर कृपा करें, उनकी कृपा आप पे सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।